अभी मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट पे हूँ और मेरा चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है, इमिग्रेशन भी हो गया है एंड माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ जाने का टाइम आ गया है। मैंने चेकआउट कर दिया अपने हॉस्टल से और अब मेरे साथ है मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सैड लगता है मुझे उनको गुड बाय करना, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरी कंट्री। और अब हमने सोचा है कि एयरपोर्ट जाने से पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं और दूसरा ऑर्डर किया हुआ है। हियर इज माय फ्रेंड। हे आई वेरी मच वेलकम। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर द मैरिज, फॉर इनवाइटिंग टू दी मैरिज। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया मैरिज में मुझे। आप वो वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज़ देखिएगा एंड होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। मैं अभी एक बहुत ही बढ़िया जगह पे आया हूँ, मेरे दोस्त मुझे लेके आए यहाँ पे। और यू नो दिस एरिया लुक्स लाइक यू नो अपना मुंबई का जो फिल्म सिटी है उसी तरह के रोड्स है यहाँ पे। और जो यहाँ का जो शांति इतना है, मेरे सामने है आपको मैं दो चीज़ दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया है। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग एंड आई विल शो यू दिस टू आइकॉनिक बिल्डिंग्स। द पुत्राजया मॉस्क एंड दिस प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वाओ, सो अमेजिंग, इट्स सो ह्यूज विद द टॉम्ब राइट इन द सेंटर। Isn't that amazing? This one amazing building and right next to it is the Putrajaya Mosque. Wow. And I'll show you the surroundings over here. Look at this greenery. This greenery is absolutely pin drop silence over here. And here a commercial complex and in this it's so beautifully made. I hope you enjoy the view. Time people stopped at their cars here, yeah. Just took pictures. Okay. You are lit up with so the. You can wait here. Yeah. There's the mosque. Yeah, just now. That काफी disappointing लग रहा है मुझे। मेरे दोस्त ने मुझे drop किया है। Thank you so much. लेकिन उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सपोर्ट किया उसने मुझे और उसके उनके लड़के की शादी में जो मैं गया था तो मज़ा आ गया। इट वाज समथिंग रियली वेरी न्यू न्यू कल्चर। और अभी मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट पे हूँ और मेरा चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है, इमिग्रेशन भी हो गया है एंड माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ थाईलैंड। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। मेरे फ्लाइट के लिए ऑलमोस्ट मोर देन 2 hours है। इट्स 6 o'clock, 8:30 की कुछ फ्लाइट है। तो लेट्स वेट टिल देन, आई हैव टू चार्ज माई फोन, सो आई विल लेट यू नो द फर्दर प्रोग्राम। वेलकम बैक, बोर्डिंग चालू हो गई है और हमें जस्ट फ्लाइट के डोर तक वेट करवाया गया है। अब स्टार्ट होगा तो सब ही बोर्ड करेंगे प्लेन के अंदर, तो थोड़ा टाइम लगेगा। 8:35 की प्लेन है और 7:55 हुआ है, काफ़ी टाइम है। बोर्डिंग चालू हो गई है और अभी तक सिंस यू अवेयर आई एम ट्राइंग फ्रॉम कुआलालंपुर टू बैंकॉक और कोई नेगेटिव RT-PCR की कोई डिमांड नहीं की गई है। सो इट्स बीन अ स्मूथ बोर्डिंग। आगे अभी थोड़ा काफ़ी लाइन है यहाँ पे और लगभग और भी आधा घंटा है। वेलकम बैक, आई हैव जस्ट लैंडेड एट दी डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं आपको बता दूं कि
बहुत ही एकदम स्मूथ प्रोसेस रहा. आई अप्लाइड फॉर वीज़ा ऑन अराइवल. तो जैसे ही लैंड हुआ, द मोमेंट आई लैंडेड आई हैड गॉन टू द वीज़ा ऑन अराइवल डिपार्टमेंट. आई वॉज द ओनली वन, द ओनली इंडियन एंड ओनली पर्सन, एंड देर वॉज अनदर गर्ल हु केम बिहाइंड आफ्टर मी. सो देर वॉज नो क्राउड, नो रश, जस्ट मी. एंड आई फिल्ड अप द फॉर्म, द वीज़ा फॉर्म, और साथ में मेरे से लिया 2,200 थाई बात फॉर वीज़ा ऑन अराइवल. और फटाफट दे दिया, वीज़ा दे दिया. देन आई मूव्ड ऑन टू द इमिग्रेशन. इमिग्रेशन में कुछ पूछा नहीं, लेकिन हाँ, वीज़ा के लिए मुझे पूछा कहाँ रह रहे हो और कहाँ रह रहे हो, और एक फ़ोटो लिया मेरा, और फोटो मैंने कैरी किया था. सो मेक श्योर यू आप फ़ोटो कैरी करें, अदरवाइज इफ़ यू क्लिक द फोटो हियर इट्स गोना बी एक्सपेंसिव. सो प्लान अकॉर्डिंगली. और फटाफट ही शी गेव मी द वीज़ा. द एक्चुअल प्राइस इज़ 2,000, बट मेरे से 2,200 थाई बात लिया. और बाद में इमिग्रेशन में मैंने बोला कि बहुत ही स्मूथ था, खाली क्या बोलते हैं, थंब इम्प्रेशन एंड फिंगर इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक्स जो इसको बोलते हैं, जस्ट द बायोमेट्रिक्स फॉर इमिग्रेशन. एंड आई टुक द एग्जिट. Now I am going to take the bus from Dong Myang International Airport. मुझे बोला है गेट नंबर 6 से I'll get the bus to Khao San. So I will just check which bus is available and how much they charge. They also asked me for the return flight ticket. मुझे जाना है Khao San, और Khao San के लिए A4 bus जो कि लेता है 50 baht. और बाकी दूसरे भी है, चाटूचा के लिए 30 बात है, उसके लिए A1 बस है, बट अभी जो आई है A3 है, तो ये नहीं जाएगी मेरे लोकेशन पे.